जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10वीं की मैथ में जो वित्त से संबंधित क्षेत्रफल है, जो आपका चैप्टर 12 है, उसी प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोग वृत्त होता है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है, मतलब वित्त के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा किए थे, और साथ साथ हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ साथ लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ जो आप लोगों की 12.1 है इसके प्रश्नावली के जो उदाहरण होंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज क्लियर है ना, और वीडियो सही चल रही है ना, दोनों चीज कमेंट करके बताइए, और साथ साथ वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े, ठीक ना। यहाँ पे सभी लोग जल्दी से शेयर करिए। संतोष सिंह करें, गुड इवनिंग सर। मोनू भाई जी हैं, हेलो सर। रूपम सिंह करें, गुड इवनिंग सर। प्रियांशु सिंह जी करें, हाय सर। शिवराज जी करें, गुड इवनिंग सर। विशाल सानी जी हैं, हिमांशु यादव जी हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऋतिक नायक जी करें, राम राम सर गुरु जी। रूपम सिंह करें, यस सर क्लियर है, सही चल रहा है। प्रियांशु सिंह जी हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े। तो आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करें। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिए, दोनों काम करना है। और साथ साथ में आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर बैठिए कि जो सवाल होगा इसको सॉल्व करते हुए भी चलिए आप, ठीक ना। कमेंट भी करना है और साथ साथ आपको सवाल को सॉल्व भी करते चलना है, ठीक ना। दोनों काम आपको साथ ही में करना है। देखिए मैंने आपको कल वृत्त के बारे में अच्छे तरीके से बताया है, वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की सीमा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये सब चीजें मैंने बता दी आपसे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब चीजें मैंने बताया था आपसे आपको इसके पाली वाली क्लास में। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई वृत्त है, अगर आपको कोई वृत्त इस तरीके से दिया है, या कोई वृत्त है, ठीक ना, और यह वृत्त का क्या है तो बताओ, यह वृत्त का केंद्र है, और अगर मैं वृत्त के केंद्र से और इसकी परिधि के किसी बिंदु पर मिला दे रहा हूं तो जो यह दूरी होगी इसकी, इसी का नाम आप लोग त्रिज्या का नाम दे रहे हो। अगर मैं इसके सेंटर को ओ कर रहा हूं और इसकी त्रिज्या जो है वह क्या है, आर है, ठीक ना। तो मैंने बताया था आपसे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, बताए थे आप वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू बताए थे पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताए थे आप, कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और मैंने बताया था कि वृत्त की परिधि इक्वल टू अगर पूछो क्या होती है, या वृत्त की परिधि पूछे या वृत्त का परिमाप पूछे, दोनों समान चीज है, ठीक ना। या तो आपसे कहे कि वृत्त की परिधि बता दीजिए, या तो आपसे कहे कि वृत्त का परिमाप बता दीजिए, तो आपको दोनों चीज समान समझना है। तो अगर पूछो आपसे वृत्त की परिधि क्या होती है तो बताओगे 2πr होती है। और साथ साथ मैंने बताया था आपसे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का अगर पूछो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बता रहे थे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लीजिए, अगर पूरा वृत्त था तब इसका क्षेत्रफल बता रहे हो पाई आर स्क्वायर है। तो अगर पूछो आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताओगे पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग करने के लिए, तो बताओगे इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा।
यह बताओगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर पूछो आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। और उसी तरीके से मैंने बताया था अर्धवृत्त का अगर आपको परिधि निकालना है तो आप बताओगे अगर पूरा वृत्त इसकी परिधि कितना होगी तो बताओगे 2 पाई आर होती है। तो अगर अर्धवृत्त के बारे में चर्चा किया जाएगा तो बताओगे 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। और साथ साथ मैंने एक बात और बताई थी आपसे कि जैसे आप किसी अर्धवृत्त को बनाते इस तरीके से बनाते हो ना, तो अगर अर्धवृत्त की परिधि के बारे में चर्चा होगी तो आप बताओगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो लोगे साथ साथ में, और साथ साथ में आप ये भी दूरी लोगे ना, यही तो इसके अर्धवृत्त का परिमाप होगा ना। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई होगी या दूरी होगी इसको तो आप लोग क्या नाम दे रहे हो, 2 पाई आर अपॉन 2 दे रहे हो, लेकिन यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई आप बताओगे क्या होगा, यह वृत्त का व्यास कहलाएगा। और जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आप बताओगे 2r को इसमें जोड़ने के लिए, तो यहां से 2 खत्म हो जाएगा तो बताओगे पाई आर और प्लस में क्या होगा 2r हो जाएगा। इसमें से r को कॉमन कर सकते हो तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर पूछो आपसे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ तो बताओगे r और कोष्ठक में पाई प्लस 2 हुआ। ये चीजें मैंने आपको कल की क्लास से बताया था, एक बार ये चीजें मैं रिपीट कर दिया हूं। आज हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, साथ साथ जो वृत्तखंड होता है उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक ना। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करिए और साथ साथ वीडियो को शेयर करिए। आप देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, और साथ साथ हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों बातों को हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा त्रिज्यखंड होता क्या है। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में अगर चर्चा कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो दिमाग में आपके यही आ रहा होगा कि त्रिज्यखंड होता क्या है, तब तो उसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करोगे ना। तो अगर पूछूं आपसे त्रिज्यखंड क्या होता है तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि वृत्त का वह क्षेत्र या वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्या और साथ साथ उसके संगत चाप द्वारा घिरा जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे अगर आपको यह चीजें नहीं समझ में आई तो यहां पे फिगर को देखिएगा ध्यान से, आप बताओगे यह कोई वृत्त था और इस वृत्त का क्या होगा, या इस तरीके से आप बताओगे यह वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वृत्त की दो त्रिज्याएं लेता हूँ, वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याएं ले लीजिए, तो मान लीजिए एक त्रिज्या मैं इस तरीके से लेता हूँ और दूसरी त्रिज्या मैं इस तरीके से लेता हूँ, यह दो त्रिज्याएं होंगी। अगर आप यहाँ पे दो त्रिज्याएं ले रहे हो तो मैंने बताया है वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और इसके संगत चाप द्वारा, तो संगत चाप क्या होगा आप बताओगे, जो संगत चाप होगा यह वाला संगत चाप होगा, यही तो होगा ना। यहां से लेके यहां तक एक तो संगत चाप यह बताओगे आप, और एक संगत चाप जो होगा इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के लिए संगत चाप का नाम यह वाला दोगे जो बड़ा वाला है, यही तो दो आप बताओगे ना, यही तो आप बताओगे दो चाप होगा। तो आप बताओगे कि जो यह वाला एरिया है ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, लेकिन लेकिन में यह बात है कि आप देख रहे हो कि जो यह त्रिज्यखंड है इसकी आकृति आपको छोटी दिखाई दे रही है, तो आप इसको नाम दोगे लघु त्रिज्यखंड का नाम दोगे, क्या नाम दोगे, इसका नाम दोगे आप लघु त्रिज्यखंड का नाम दोगे, क्या नाम दोगे इसको कहोगे आप लघु त्रिज्यखंड दोगे, ठीक ना। और साथ साथ में अगर ऊपर वाले भाग को देखो तो आपको यह वाला जो भाग है यह वाला भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको यह वाला भाग बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं पूछो आपसे जो यह त्रिज्यखंड बनेगा इस त्रिज्यखंड का क्या नाम दोगे, तो आप इस वाले त्रिज्यखंड का नाम दोगे दीर्घ त्रिज्यखंड नाम दोगे, क्या नाम दोगे इसका, अगर पूछो आप इसको क्या नाम दोगे तो इसको दोगे दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दोगे। इसका क्या नाम दोगे, तो आप बताओगे जो ऊपर वाला यह वाला भाग है इसको आप लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दोगे, और जो नीचे वाला इस तरीके से है इसका आप लोग नाम दोगे लघु त्रिज्यखंड का नाम दोगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि मैंने जो त्रिज्यखंड बताया समझ में आया कि नहीं। अगर ये पूछो त्रिज्यखंड क्या होता है
तो आप बताओगे कि वृत्त के वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उसकी संगत चाप द्वारा घिरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने दो त्रिज्याएं लिया है, एक त्रिज्या आप इसको नाम दोगे, आप अगर इसका नाम देते तो ये आर है और ये भी त्रिज्या है, तो आप बताओगे जो त्रिज्याएं होती है तो बराबर होती है किसी वृत्त की ना, तो अगर यह वाली त्रिज्या आर है तो ये भी वाली त्रिज्या बताओगे आर ही होगी। ठीक है ना। अगर यह त्रिज्या आर है और ये भी त्रिज्या आर है तो आप बताओगे कि इसके संगत चाप तो होगा, संगत चाप तो यही वाला होगा ना, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी या यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी या इसका संगत चाप होगा, एक तो संगत चाप यह बताओगे और दूसरा संगत चाप आप इस तरीके से ऊपर वाला भाग को बताओगे, इस तरीके से दूसरा जो संगत चाप होगा आप इस वाले को बताओगे, तो आप बताओगे कि जो यह वाला भाग है ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है और जो यह वाला भाग ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है, लेकिन आप बताओगे कि जो यह वाला भाग अगर मैं इसका नाम देता हूं, इसको अगर कह रहे हो आप ओ है और इसको कह लो आप ए है और इसको आप कह रहे हो बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट अगर ले रहे हो इसकी परिधि पे मान लो सी है। ठीक ना। अगर यहाँ पे ओ ए सी बी, तो अगर ये पूछो आपसे क्या है तो आप बताओगे ओ ए सी बी जो है वह त्रिज्यखंड है। इतना तो बात सबको क्लियर होना चाहिए कि यह त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर ये पूछो आपसे ओ और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, इसका नाम देते हो आप डी दे देते हो, ठीक ना, तो ओ डी और यहाँ पे बी, ये भी बताओगे एक त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप बताओगे ओ बी ए जो है यह त्रिज्यखंड जो है, जो यह त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है इस त्रिज्यखंड की अपेक्षा जो ऊपर वाला त्रिज्यखंड है वह बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप ऊपर वाले त्रिज्यखंड का नाम दोगे दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दोगे और जो नीचे वाला त्रिज्यखंड है इसको क्या नाम दोगे आप, तो बताओगे यह जो त्रिज्यखंड है लघु त्रिज्यखंड है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए यह क्लियर हुआ कि नहीं, त्रिज्यखंड क्या होता है, तब अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। अंशु कुमार जी कर रहे हैं यस सर, ज्ञानदीप कुमार कर रहे हैं थैंक यू सो मच, रामेश्वर यादव जी कर रहे हैं सॉरी नम्रता, रूपम सिंह कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाला नम्रता, नम्रता आज आपका जन्मदिन है क्या, कमेंट करो तो, रंजना मौर्य कर रहे हैं यस सर, एक बार कमेंट करके बताइए जो त्रिज्यखंड में बताया हूं आपको क्लियर हुआ कि नहीं, और वीडियो को शेयर करिए आप लोग, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अंशिका मौर्य आज नम्रता का बर्थडे है, हिमांशु यादव जी कर रहे हैं, अंकित पाठक जी कर रहे हैं यस सर, रामेश्वर यादव जी कर रहे हैं क्लियर है सर, ज्ञानदीप कर रहे हैं नो सर मेरा बर्थडे नहीं है, ठीक है नम्रता तब तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो, रंजना मौर्य करें सही में, तो यह बताओ आप लोग कि जो यह त्रिज्यखंड बताया क्लियर हुआ कि नहीं, आप किसको लघु त्रिज्यखंड कहोगे और किसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहोगे, एक बार बताओ आप लोग यह क्लियर हुआ कि नहीं। रूपम सिंह कर रहे हैं यस सर क्लियर है, अगर क्लियर हो रहा है तो हम लोग आप इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। नितिन नायक कर रहे हैं क्लियर है सर, ठीक है अगर क्लियर हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, रंजना मौर्य कर रही है यस सर क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो इस फिगर को मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मिटा के फिर से बनाता हूं, इस फिगर को मैं मिटा के थोड़ा सा फिर से अच्छा एक फिगर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे कोई भी इस तरीके से है, अब हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में बात करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, आप बताओगे यह वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, यह क्या वृत्त का केंद्र है और वृत्त की अगर आप मैं त्रिज्या घिसता हूं तो एक त्रिज्या इस तरीके से मैं घिस लेता हूं और दूसरी त्रिज्या इस तरीके से घिस लेता हूं, तो आप बताओगे कि जो यह
एरिया बनेगा इस तरीके से, जो यह भाग होगा यही भाग क्या कहलाएगा, इस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक ना। ये भी भाग त्रिज्यखंड कहलाएगा। और साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया यही त्रिज्यखंड है तो बस यही रहेगा, जो ऊपर वाला भाग इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। मैंने बताया है कि जो ऊपर वाला भाग है ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, लेकिन मैंने बताया आपसे कि जो यह वाला भाग है यहाँ पे फिगर में इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक ना। और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं जो वृत्त का सेंटर है, इसको मैं कहता हूं ओ है। और उसी तरीके से अगर मैं इस वाले पॉइंट को ए कर रहा हूं और यहाँ पे परिधि पे कोई पॉइंट ले रहा हूं इसको मैं बी कर रहा हूं, और यहाँ पे कोई पॉइंट इसको मैं सी कह दे रहा हूं, और उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं डी का नाम देता हूं, और यहाँ पे ई तो है ये, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो आपको दो त्रिज्यखंड दिखाई देंगे, आप बताओगे ए, यहाँ पे ए बी सी ओ, एक त्रिज्यखंड आपको यह दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा त्रिज्यखंड बताओगे ए डी और सी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखो ऊपर वाला जो त्रिज्यखंड है वो बड़ा है, इसको आप लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दोगे आप, और जो यह त्रिज्यखंड ए बी सी ओ है यह छोटा त्रिज्यखंड है, इसको आप लोग लघु त्रिज्यखंड का नाम दोगे। लेकिन यहाँ पे आप चर्चा यह करना है कि त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आपको चर्चा इस बात पे करनी है ना आपको कि यहाँ पे कि क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो अगर कोई वृत्त होता है तो मैं पहले अगर पूछूं आपसे कि जो वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो अंशु कुमार जी कह रहे हैं 360 डिग्री का, और बताइए आप लोग कमेंट करके, अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ज्ञानदीप कुमार कह रहे हैं 360 डिग्री, नितिन नायक भी कह रहे हैं 360 डिग्री, अंकित पाठक जी कह रहे हैं 360 डिग्री, हिमांशु यादव कह रहे हैं सर नम्रता झूठ बोल रही है, संतोष सिंह भी कह रहे हैं 360 डिग्री। तो सभी लोग अपना उत्तर सही बता रहे हो, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस जो इसका सेंटर है या वृत्त का सेंटर है बताओगे ये इसका केंद्र है, तो अगर कुछ इस वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री का यह पूरा कोण बनेगा, तो बताओगे 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 360 डिग्री का कोण इसके केंद्र में बन रहा है तो आप बता रहे हो कि यह पूरा वृत्त इस तरीके से है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल बता रहे हो आप क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं आपसे इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो बताओगे यह पूरा वृत्त रहता तो इसका क्षेत्रफल आप क्या बताते, पाई आर स्क्वायर बताते हैं। और पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब यहाँ पे इसके सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनता, 360 डिग्री का कोण बनता। जब 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब बता रहे हो कि जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल वह कितना है, जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तब हो रहा है जब इसके केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक ना। और अगर मैं मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि जो यह त्रिज्यखंड है, जो यह लघु त्रिज्यखंड है, इसको नाम देता हूं लघु त्रिज्यखंड, क्या नाम देता हूं इसको, लघु त्रिज्यखंड का नाम देता हूं, और जो यह वाला है इसको आप लोग नाम दोगे दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दोगे, क्या नाम दोगे इसको, इसको नाम दोगे आप दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दोगे। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जो यह वाली त्रिज्या है आप, और जो यह वाली त्रिज्या है और इसके बीच का अगर मैं मान लेता हूं जो कोण है वह कितना है, थीटा है, क्या मैं मान लेता हूं कि जो इसके बीच का कोण है वह कितना है, थीटा है। मतलब यहाँ पे ए ओ सी, मतलब एंगल ए ओ सी जो है वह कितना में माना हो तो बताओगे थीटा है, ठीक ना। इसका जो कोण वह कितना है, थीटा है। तो बात समझिएगा, अगर इसकी केंद्र पे जो वृत्त का केंद्र है उस पे अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर ये पूछूं आपसे कि अगर वृत्त का केंद्र 360 डिग्री है तब बता रहे हो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर है। अगर वृत्त का वृत्त के केंद्र पे अगर कोण 360 डिग्री का बन रहा है तब बता रहे जो वृत्त का क्षेत्रफल वह कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो अगर पूछूं आपसे कि जब एक डिग्री रहेगा तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर 360 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो पूछूं आपसे एक डिग्री का मान क्या होगा, बताओ एक डिग्री का मान निकालने के लिए
क्या बताओगे आप? एक डिग्री का मान जब निकालोगे तो बताओगे पाई आर स्क्वायर अपान में क्या हुआ 360 डिग्री हुआ, बताओ होगा कि नहीं? जैसे आप लोग निकालते हो ना कि अगर 10 टॉफी का मूल अगर 10 रुपया है, अगर ये पूछो आपसे कि 10 टॉफी का मूल, जो 10 टॉफी लेते हो चॉकलेट जिसको कहते हो, और 10 चॉकलेट, चॉकलेट का मूल अगर 10 रुपया है, तो मैं पूछूं आपसे एक चॉकलेट का मूल क्या होगा, तो आप कैसे निकालते हो? अगर 10 का मूल अगर 10 रुपया है यहाँ पे, तो अगर पूछू एक का क्या होगा, तो बताओगे एक का निकालने के लिए 10 में क्या करोगे, इस 10 में इस 10 से भाग करने के लिए, तो बताओगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है। इस तरीके से निकालते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे सोचना है आपको, जिस तरीके से यहाँ पे सोच रहे हो उसी तरीके से यहाँ पे भी सोचो। अगर जब इसके वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। जब वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो मैं पूछू अगर आपसे कि जब वृत्त के केंद्र पे 1 डिग्री का कोण बनेगा, तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओगे पाई आर स्क्वायर अपान में क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको तो क्या करना है, जब इसके वृत्त के केंद्र पे थीटा कोण बनना है, या कितना कोण माने हो, जब थीटा कोण बनना है, तब के लिए आपको निकालना है कि जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर 1 डिग्री का मान आप निकाल ले हो, तो बता रहे हो पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री है, क्या निकाल ले हो? जब 1 डिग्री है तब निकाल ले हो, जो वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री है, तो आपको किसके लिए निकालना है, तो बताओगे थीटा के लिए निकालना है। अगर थीटा के लिए निकाला, तो मैं पूछूं आपसे जब थीटा डिग्री रहेगा तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताओगे थीटा के लिए पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री और गुणे क्या करोगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक ना? तो अगर ये पूछूं आपसे कि जब वृत्त के केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बनेगा, जब वृत्त के केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बनेगा, तब मैं पूछूं आपसे उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताओगे पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री गुणे पे होगा थीटा हुआ। एक बार बताओ सभी लोग कमेंट करके कि यह बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, यह फार्मूला आपको याद रखना है। तो अगर मैं पूछूं आपसे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर ये पूछो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू जो फार्मूला बताओगे पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री और गुणे क्या बताओगे थीटा बताओगे, ठीक ना? इस फार्मूले को आपको ध्यान देना है, और मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो और इसका फार्मूला क्यों इतना होता है, मैंने आपको बता दिया। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जो यह बताया वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। ज्ञानदीप कुमार कह रहे हैं सर क्लियर है, रंजना मौर्य भी कह रही है सर क्लियर है, रूपम सिंह कह रहे थैंक यू भैया जी एक्टिव एडवाइस देने के लिए, अंशु कुमार कह रहे हैं यस सर। आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, मैंने कल बताया था आपसे कि अगर 18 लोग देख रहे हो तो 18 दूना कितना होता है 36 लोगों को जोड़ना है आप लोगों को, ठीक ना? मैंने कल आपसे बताया था कि अगर 18 लोग आप लोग देख रहे हो तो 18 दूना कितना होता है बताओगे 36 होता है, और 36 लोगों को आपको लाइव प्लस में जोड़ना है, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ? और वीडियो को भी लाइक नहीं दियो आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक किया करिए। अखिलेश सिंह करे बिल्कुल सर, पूजा मौर्य करे क्लियर है सर, नितिन नायक करे 22 गुणे 2 इक्वल टू 44, हाँ तो वो भी कर सकते हो आप, ये भी सही है, लेकिन आप लोग करो जल्दी से। इस टाइम 18 लोगों, अगर आप लोग दो लोगों को भी जोड़ रहे हो तब वो 18 दुना कितना, तो बताओ 36 हो जाए, 36 लोग जुड़ जाएंगे। रामेश्वर यादव करे क्लियर है, नेहा लाइक तो करो भाई लोग, ज्ञानदीप कुमार जी करें। तो यहां पर ये क्लियर हो गया ना, मैंने आपसे बताया है कि अगर कोई त्रिज्यखंड दिया है और त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या फार्मूला यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री और गुणे क्या करोगे थीटा कर दोगे, ठीक ना? आपको सवाल में थीटा का मान दिया रहेगा और त्रिज्या दिया रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक ना? प्रज्ञान जी करे अंकित, ऋतिक नायक जी दीदी लाइक कर दिए, ठीक है। देखिए आप इसके बाद ध्यान दीजिएगा,
मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको यह सिखाया है कि अगर कोई त्रिज्यखंड है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आप बताओगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री अगुणे बताओगे थीटा हो जाएगा। अब मैं सिखाता हूं आपसे कि त्रिज्यखंड का परिधि कैसे निकालते हैं, ठीक ना। अब हम सिखाएंगे आपको कि त्रिज्यखंड की परिधि कैसे निकालेंगे। सर एक बार लाइक कर दिए हैं, दोबारा भी कर दे सर, नहीं एक ही बार लाइक करिए अखिलेश सिंह जी। अखिलेश पटेल जी करें गुड इवनिंग सर, अंकित पाठक जी करें प्रणाम, प्रज्ञान हाय ब्रो। देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख लिए हैं, ठीक ना। अब हम लोग त्रिज्यखंड की परिधि निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने आपसे बताया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाले हो आप, उसी तरीके से इसके परिधि के बारे में सोचना है आपको, ठीक ना। जिस तरीके से मैंने आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाया है, उसी तरीके से त्रिज्यखंड की परिधि भी निकालना आपको सिखाऊंगा। ध्यान से हमारी बातों पर सुनिएगा, आपको हर चीजें क्लियर हो जाएगी। बस ध्यान से आप बोर्ड को देखिएगा और साथ साथ हमारी बातों को सुनिएगा। मैंने आपको यह सिखाया है अगर किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला बताया कैसे आता, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग इसके परिधि के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर कोई त्रिज्यखंड है तो उसकी परिधि कैसे निकालोगे। जैसे मान लो अगर मैं बताया हूं कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, बताओगे जो वृत्त होता है उस वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है तो अब बताओ यह पूरा वृत्त इस तरीके से रहा होगा, तभी तो इसके सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब बता रहे हो कि जो वृत्त की परिधि है वह कितना है, 2πr है। अगर बता रहे हो कि जब इसके केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब बता रहे हो कि जो वृत्त की परिधि है वह कितना है, 2πr है, क्योंकि आप जानते हो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो बताओ वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो जब 360 डिग्री का कोण इसके केंद्र पे बन रहा है मतलब पूरा वृत्त है, तब इसकी परिधि कितना बता रहे हो, 2πr है, ठीक है ना। जब वृत्त की परिधि 2πr है तब बता रहे उसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनना है, बताओगे 360 डिग्री का कोण बनना है। अगर 360 डिग्री का कोण बनना है तब आप बता रहे हो कि वृत्त की परिधि 2πr है। तो मैं पूछूं आपसे कि बता दीजिए कि जब उसके केंद्र पे एक डिग्री का कोण बनेगा तब उस वृत्त की परिधि क्या होगी। क्या मैं पूछूं अगर आपसे कि अगर वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब बता रहे वृत्त की परिधि 2πr है। अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब वृत्त की परिधि अगर 2πr है, मैं पूछूं आपसे कि वृत्त के केंद्र पे एक डिग्री का कोण बनेगा तब मैं पूछूं आपसे कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो मैंने आपको सिंपल इसी तरीके से बताया है कि अगर 10 टॉपिक का मूल अगर 10 रुपया है तो मैं पूछूं आपसे एक टॉपिक का मूल कितना होगा, बताओगे 10 बटा कितना होगा, 10 हो जाएगा ना। अगर आप बता रहे हो कि 10 टॉपिक का मूल अगर 10 रुपया है तो मैं पूछूं आपसे एक टॉपिक का मूल कितना होगा, बताओगे 10 बटा 10 करने के लिए और 10 में 10 से भाग करोगे बताओगे एक आ जाएगा, तो बताओगे एक टॉपिक का मूल कितना हुआ, एक रुपया हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप सोचो जब वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब बता रहे हो कि जो वृत्त की परिधि है वह कितना है, 2πr है। कब है, जब वृत्त के सेंटर में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तब वृत्त की परिधि कितना है, 2πr है। तब मैं पूछूं अगर आपसे कि जब एक डिग्री का कोण बनेगा तब वृत्त की परिधि क्या होगी, तो बताओगे तब वृत्त की परिधि अगर यहाँ पे 360 डिग्री का मान यहाँ पे 2πr के बराबर है तो मैं पूछूं आपसे एक डिग्री का मान क्या होगा, बताओगे 2πr अपान 360 डिग्री होगा। ठीक बात है ना, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको। अगर 360 डिग्री है अगर 2πr के बराबर है तो मैं पूछूं आपसे एक डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बताओगे 2πr अपान 360 डिग्री हो जाएगा। आप देखो अगर जो त्रिज्यखंड बनाए हो आप इस तरीके से त्रिज्यखंड बनाए हो और इस त्रिज्यखंड के बीच का कोण कितना माने हो आप, जो ये त्रिज्यखंड बनाए हो इसके बीच का कोण आप माने हो थीटा है। अगर इस त्रिज्यखंड के बीच का कोण थीटा माने हो तो अगर ये पूछो आपसे जब थीटा डिग्री होगा तब उस वृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर बाई 360। प्रज्ञान लाइव करें, अखिलेश पटेल करें सर, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सब लोगों को, ध्यान दीजिएगा।
तो अगर मैं एक डिग्री का मान निकाल रहा हूं तो बताओगे 2π r/360 डिग्री हो रहा है, लेकिन आपको किसके लिए निकालना है तो बताओगे थीटा के लिए निकालना है, क्योंकि इसके भी इसका कोण आप थीटा माने हो। तो अगर एक डिग्री इक्वल टू, इतना मैं पूछूं आपसे थीटा डिग्री इक्वल टू कितना, बताओगे थीटा डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2π r/360 डिग्री और गुणे क्या बताओगे थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कोई त्रिज्यखंड है और उस त्रिज्यखंड का अगर आपको परिधि निकालना है तो उस त्रिज्यखंड की परिधि कैसे निकालोगे, तो बताओगे त्रिज्यखंड की परिधि थीटा इक्वल टू बताओगे 2π r/360 और गुणे क्या बताओगे थीटा बताओगे। यहां पे लिख देता हूं ये भी फार्मूला, यहां पे लिख देता हूं त्रिज्यखंड की परिधि इक्वल टू, अगर आपको त्रिज्यखंड की परिधि निकालना तो आप किस फार्मूले का यूज करोगे, तो बताओगे 2π r/360 अगुड़े क्या बताओगे थीटा बताओगे, ठीक ना। इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक ना। कुछ लोगों का दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे दो से क्या कर लीजिए इसको काट लीजिए, ये भी कर सकते हो आप, दो से इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा ना, तो आप पाई आर अपान 180 गुणे थीटा भी लिख सकते हो इस फार्मूले को, या तो आप इसी तरीके से रन दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अगर किसी त्रिज्यखंड का अगर आपको परिधि निकालना है तो आप निकाल लोगे कि नहीं बताओ, एक बार कमेंट करके आप एक बार कमेंट करिए। एक बार कमेंट करके बताइए जो मैंने बताया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए और साथ साथ मैंने त्रिज्यखंड का परिधि निकालने के लिए बताया है, यह क्लियर हो गया तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग कल इसी टाइम पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए विवेक राय करें यस सर क्लियर है, अंशु कुमार जी करें यस सर, ज्ञानदीप कुमार करें सर यस सर क्लियर है, नितिन नायक भी करें क्लियर है सर, रूपक सिंह भी करें क्लियर है, ऋतिक नायक करें यस सर क्लियर है, संतोष भी करें, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, अंशु विश्वकर्मा जी अंशिका विश्वकर्मा जी हैं इनको भी क्लियर है, सर इतना जल्दी। ज्ञानदीप कुमार जी आज कुछ प्रोग्राम की वजह से आप लोगों की क्लास में समाप्त कर रहा हूं, वैसे मेरा मन तो समाप्त करने का है नहीं, लेकिन आपके स्कूल के दीपक सर भी प्रस्तुत हैं यहाँ पे, ठीक ना, तो वही क्लास को बंद करवा रहे हैं ना, तो मेरा तो मन यही रहता कि मैं 1 घंटा प्लस पढ़ाऊं, तो आपके दीपक सर जी है आप लोग स्कूल में मिलिएगा बताइएगा इनको कि कैसे क्लास बंद करवा देना है, ठीक ना। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, सभी बच्चों को गुड नाइट।